कुंभ में अखाड़ों की धर्म ध्वजा को ग्रहण करने की अपनी एक विशेष परंपरा होती है, जिसके लिए संतों ने शनिवार को खुद जंगलों में जाकर धर्म ध्वजा के लिए लकड़ी का चयन किया। इस रिपोर्ट में देखिए। कुंभ मेला शुरू होने में थोड़े ही दिन शेष रह गए हैं, ऐसे में सभी 13 अखाड़ों के संत भी अपनी सभी अहम औपचारिकताएं पूरी करने में लगे हैं। कुंभ मेले की शुरुआत होती है तो धर्म ध्वजा का काफी बड़ा महत्व होता है। सभी अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित करने की अपनी अपनी परंपरा है। शनिवार को अखाड़ों ने अपनी धर्म ध्वजा के लिए लकड़ियों का चयन कर लिया है, जिसके लिए सभी साधु संत बकायदा देहरादून के छिडरवाला के जंगलों में लकड़ी खोजने के लिए पहुंचे और सभी अखाड़ों के संतों ने अपने अखाड़ों में स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा के लिए लकड़ी का चयन किया और उस पर निशान लगाए। देखिए, हमारे मेले की शुभारंभ धर्म ध्वजा से ही होती है। जब धर्म ध्वजा हमारी गढ़ती है, इसका मतलब हमने आज से मेला का शुभारंभ कर दिया। और सभी अखाड़ों की परंपराएं होती हैं, तो जंगलों में हम लोग उसको खोजते हैं और कोई दिन करते निर्धारित। यदि आप 13 अखाड़े साथ में हैं, सब अपने वैष्णव संप्रदाय के हैं, उदारी संप्रदाय के हैं, सब अपने अपने तरह से ढूंढ करके निशान लगा देते हैं, फिर यह मेला प्रशासन की व्यवस्था होती है कि उसको काट कर हमारे यहाँ भेजता है। सभी अखाड़ों में धर्म ध्वजा की लकड़ी चुनने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है, क्योंकि सभी अखाड़ों में धर्म ध्वजा की लंबाई काफी अलग अलग होती है। कोई अखाड़े 52 हाथ की लकड़ी पर धर्म ध्वजा स्थापित करते हैं, तो कोई उससे छोटी लकड़ी पर संन्यास परंपरा में 52 हाथ की धर्म ध्वजा स्थापित करते हैं। फिलहाल अब मेला प्रशासन संतों की तरफ से चयनित की गई लकड़ी को अखाड़ों तक भिजवाने का कार्य करेगा। धर्म ध्वजा की जो लकड़ियां हैं उसका चयन किया जा रहा है, इन पे आज निशानदेही भी हो गई है और इसको उचित समय पे जैसा हमें बताया जाएगा उस समय पे यहाँ से इसका हम ढुलान करते हुए, इसका कटान करते हुए, इनको अखाड़ों में जो भी परंपराएं रहती हैं उन सबका पालन करते हुए पहुँचाएं। फिलहाल कुंभ की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, अब बस इंतजार है तो कुंभ मेले के जल्द ही भव्य आगाज का। आशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, हरिद्वार।